मैं हूँ सीमाना, डाइनिंग टेबल विद सीमाना की होस्ट। फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे भिंडी की रेसिपी, मसाला है भिंडी। yes. जैसे पहले जमाने में बोला जाता था मुगल ए आजम, वैसे ही मसाला है भिंडी। इट्स नेम इज वेरी रॉयल टाइप, यू नो, मसाला है भिंडी। yes. आप इसको मसाला भिंडी भी कह सकते हैं, रेस्टोरेंट स्टाइल, ढाबा स्टाइल मसाला भिंडी भी कह सकते हैं। तो थोड़ा सा डिफिकल्ट डिश, लेकिन मैं आपको इसको बहुत ही आसानी के साथ, बहुत ही कम इंग्रेडिएंट के साथ बताऊंगी। मैं आपसे बिल्कुल ये झूठ नहीं बोलूंगी कि ये झटपट 10 मिनट में तैयार हो जाता है। हाँ, लेकिन इसमें थोड़ा सा टाइम लगता ही है और थोड़ी मेहनत भी लगती है। सब मिला के आप अराउंड आप इसका हाफ एन आवर पकड़ लीजिए। फिर भी मैं काफी सिंपलिसिटी के साथ आपको मैं बना के दिखाऊंगी। अगर आप में से किसी को मसाला भिंडी बनाना नहीं आता है, मेरा ये वीडियो देखने के बाद कोई भी मसाला भिंडी आसानी से बना सकता है। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए मसाला भिंडी बनाने के लिए सामग्रियों पर हम एक नजर गौर फरमाते हैं। ये मेरे डाइनिंग टेबल पर रखे हुए सारे इंग्रेडिएंट्स, यू कैन सी हियर, फ्रेश, बहुत ही प्यारे प्यारे भिंडीज हैं यहाँ पे, जिनको मैंने ऑलरेडी, मैंने 2-3 घंटे पहले ही इनको वॉश कर लिए थे और इसका सारा मॉइस्चर, यानी जो भी पानी लगा होता वो सब सुखा लिए थे मैंने। तो ये भिंडी मैंने 250 ग्राम ले रही हूँ। उसके बाद हमें लगेंगे 2 मीडियम साइज टोमेटो, जिसका हम ग्राइंडर में पेस्ट बना लेंगे, और 2 मीडियम साइज ऑनियन, इसका भी पेस्ट बना लेंगे। ये ले रही हूँ मैं 2 चिली, आप ग्रीन या ड्राई दोनों ले सकते हैं। और ये ले रही हूँ मैं 10-15 लहसुन के छोटे छोटे टुकड़े हैं ये, इसको मैं बारीक से चॉप करूंगी। ये ले रही हूँ कम से कम 50-60 ml क्रीम, या फिर बोल लीजिए मलाई जी, ये घर का ही मलाई है। अगर आपके पास क्रीम अवेलेबल नहीं है तो आप जो रेगुलरली मलाई कलेक्ट करते हैं दूध से, उसमें से आप ले लीजिए थोड़ा सा और उसको फेंट लीजिए। हल्दी, नमक, तड़का लगाने के लिए जीरा, राई, 1 टीस्पून जीरा पाउडर, 2 टीस्पून धनिया पाउडर, 2 टीस्पून रेड चिली पाउडर। अगर आपको पता नहीं है तो आप नोटिस करें, टीस्पून का मतलब होता है बहुत ही छोटा चम्मच, इससे भी ज्यादा छोटा चम्मच, ओके। और 1 चम्मच हम लेंगे गरम मसाला और 1/2 चम्मच अमचूर पाउडर। अमचूर पाउडर मैं इसलिए ले रही हूँ क्योंकि इस रेसिपी में थोड़ा सा दही भी यूज करते हैं हम। अगर आपके पास दही नहीं है तो अमचूर पाउडर ले सकते हैं। और ये मैं ले रही हूँ 2 चम्मच कसूरी मेथी पाउडर। गाइस, मसाला ए भिंडी बनाने के लिए बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स की जरूरत पड़ती है। वैसे तो मैंने कोशिश की है कि कम से कम लूँ, जैसे कि यहाँ पे मैंने दही स्किप की है। अगर इनमें से सामग्री आपके पास कुछ सामग्री नहीं है, जैसे कि अमचूर पाउडर, दही नहीं है, तो आप स्किप कर सकते हैं। कसूरी मेथी भी आपके पास नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं। और क्रीम आपके पास नहीं है तो मलाई, घर की मलाई ले सकते हैं। मैं इसलिए इन सब चीज़ों को स्किप कर सकते बोल रही हूँ क्योंकि आपको बनाने के लिए बहुत आसानी हो, आपको ये ना लगे कि ओ माय गॉड इसमें कितने सारे इंग्रेडिएंट्स लगते हैं, वो तो मेरे पास अवेलेबल है ही नहीं। तो बिल्कुल घबराइए मत, कुछ चीज़ें स्किप कर सकते हैं। हाँ, नेचुरली हल्दी पाउडर, जीरा, धनिया, मिर्ची, ये टमाटर तो हर किसी के घर में, किचन में अवेलेबल होता ही है। मसाला है भिंडी बनाने के लिए पहले भिंडी के हम ये साइड कट कर देते हैं इस तरह से, और इसको हम 2 पीसेस में कट करेंगे। ये मीडियम साइज यानी बड़े बड़े भिंडी है, समझ लीजिए आपके पास बहुत ही छोटे भिंडी है तो आप इसको 2 पीसेस करने की बिल्कुल जरूरत नहीं, साइड कट कर लीजिए और इसको पूरा का पूरा ले। टमाटो और प्याज के पेस्ट भी बना लिए, जरा सा पेस्ट बना लिया है, और लहसुन को भी चॉप कर ली है, चिलीज को भी कट कर लिया, सारी सामग्री तैयार है। तो सबसे पहले एक पैन गरम करती हूँ और पैन में मैं कम से कम 2-3 टेबल स्पून ऑयल डालती हूँ। गाइस, सबसे पहले हम भिंडी को स्टीर फ्राई करेंगे। यस, लेस ऑयल में स्टीर फ्राई करेंगे। आप चाहे तो डीप ऑयल में फ्राई कर सकते हैं, पर मैं ऑयल कम यूज करना पसंद करती हूँ। तो ऑयल गरम हो गया है तो अब मैं भिंडी को इसमें डाल दूंगी। आप गैस का फ्लेम मीडियम और हाई में मेंटेन करते रहें। ये देखिए चपातीज मैंने ऑलरेडी रेडी करके रखे हैं, तो लंच में हम चपाती और मसाला भिंडी का मजा लेने वाले हैं आज।
तो देखिए गाइस, हमारी भिंडी हल्की सी फ्राई हो गई है. यू कैन सी हियर, तकरीबन हमने इसको हाई आंच में 8-9 मिनट तक फ्राई किया है. अब मैं गैस का फ्लेम ऑफ कर देती हूँ और मैं इसको दूसरे प्लेट में निकाल लेती हूँ. आप देख सकते हैं किस तरह से भिंडी फ्राई हुआ है. सारे ऑयल पैन पे ही छोड़ दिए हमने. तो ये देखिए, बिल्कुल भी ज़्यादा ऑयल एब्जॉर्ब नहीं किया है भिंडी ने. तो यही खासियत है मेरे चैनल का कि खाना टेस्टी होने के साथ हेल्दी भी हो. एक अलग पैन में गरम करने के लिए रख दिया है. और ये देखिए, हमारे पास जो भिंडी फ्राई करते वक्त जो ऑयल था, ये बिल्कुल बच गया है. मैं इसी ऑयल को वापस से यूज करूँगी. मिर्ची और लहसुन को 10-12 सेकंड फ्राई करने के बाद अभी मैं डालूंगी ऑनियन का पेस्ट, जो हमारे मसाला भिंडी को लाजवाब रॉयल टेस्ट देने वाला है. और ऑनियन को हमें इसका रॉ टेस्ट रिमूव होने तक इसको फ्राई करते रहना है, तकरीबन 2-3 मिनट. जैसे कि हमेशा मैं मेरे वीडियो में बताती रहती हूँ कि जब कभी भी सब्जियाँ बनाते हो, स्पेशली ग्रेवी वाली सब्जियाँ बनाते हो, टमाटर और प्याज का जो रॉ टेस्ट है उसे रिमूव होने तक फ्राई करें. अगर रॉ टेस्ट रह गया तो सब्जी अच्छी नहीं बनेगी. ध्यान में रखिए. अब डालूंगी मैं ये टमाटो का पेस्ट. इसको भी हमने दरदरा सा पेस्ट बना लिया था. इसको भी हमें तकरीबन 2-3 मिनट तक इसी करते रहना है. चलिए, अब मैं 1/2 टीस्पून हल्दी डालूंगी इसमें, और ये 1 टीस्पून जीरा पाउडर, 2 टीस्पून धनिया पाउडर. स्टीर इट नाइसली देन. गाइस, जैसे कि मैंने बताया, बहुत ही सिंपली तरीके से मैं बता रही हूँ. आप चाहे तो इसमें काजू बादाम के टुकड़े पेस्ट भी डाल सकते हैं, बहुत ही बढ़िया स्वाद आएगा. दही भी डाल सकते हैं, लेकिन उसके बगैर भी ये बहुत ही रॉयल टेस्ट देने वाली बन सकती है, जिस तरह से मैंने बताया. वाओ, व्हाट अ स्मोक, यू कैन सी हियर. अब हम डालेंगे रेड चिली पाउडर. तो गाइस, हम इस पैन में तकरीबन सारे मसाले और ग्रेवी, अनियन, टोमेटो को तकरीबन 7-8 मिनट तक हमने कुक कर लिया है. ऑलमोस्ट बहुत अच्छे से पक गया है. अब हम डालेंगे ये क्रीम. अब हम गैस का फ्लेम थोड़ा लो कर देंगे और इसको भी अच्छे से चला लेंगे. ठीक है, थोड़ा सा वाटर डालूंगी, बिल्कुल ज्यादा नहीं डालना है. हाँ, ग्रेवी की कंसिस्टेंसी चाहिए. वाटर नहीं डालेंगे तो बहुत सूखा सूखा लगेगा. हमें ग्रेवी वाला मसाला ये भिंडी बनाना है. अब इसको हम 1 मिनट तक उबलने देंगे. साथ ही साथ हम 1 चम्मच नमक डालेंगे या फिर स्वाद अनुसार. अब हम ये फ्राई किए हुए मजेद और भिंडी को इसमें डालेंगे. ये भाई, आप अगर ये रेसिपी अगर घर में ट्राई करेंगे, आपकी घर में इतनी तारीफें होंगी कि सच में आप बोलेंगे कि वाओ, क्या रेसिपी बताई है सीमाना ने. अब हम भिंडी को डालने के बाद इसको हम 2 मिनट पकने देते हैं. ठीक है, आप ढक के भी पका सकते हैं या बिना ढक के भी पका सकते हैं. तो ढकने की कोई जरूरत नहीं है, बिल्कुल तैयार हो जाएगा. ऑलमोस्ट हमारा सब्जी तैयार हो गया. अब फाइनली मैं ये 1 चम्मच गरम मसाला ऊपर से डाल देती हूँ, एंड देन ये थोड़ा सा 1/2 टीस्पून अमसूर पाउडर डालती हूँ. जी हाँ, अमसूर पाउडर. अगर आपको पसंद नहीं है तो बिल्कुल ना डालें, दही डाल सकते हैं. दही भी पसंद नहीं है तो ना डालें. इसके बगैर भी आपकी मसाला भिंडी लाजवाब बनेगी. तो गाइस, आपने नोटिस किया होगा, मैंने इसमें ना कोरिएंडर लीव्स डाले हैं, ना ही करी लीव्स. जरूरत ही नहीं उन सब चीजों की. इसका ब्यूटीफुल टेक्सचर जो है, भिंडी ने ग्रीनीनेस दिया है और ग्रेवी तो इतना लाजवाब टेक्सचर दे रहा है. ये देखने में भी इतनी खूबसूरत है और खाने में भी बहुत ही लाजवाब है. तो चलिए, हमारी मसाला भिंडी तैयार हो गई है. अब मैं गैस का फ्लेम ऑफ कर देती हूँ
कसूरी मेथी है, मैं ये डाल सकती हूँ लेकिन मैं इसे नहीं डालूंगी, स्किप कर देती हूँ। इसके बगैर भी हम मसाला भिंडी बना सकते हैं। आप भी है तो डालिए, नहीं है तो मत डालिए। तैयार है हमारी मसाला भिंडी। सो गाइस, मैंने तो अभी तक ढाबे में या रेस्टोरेंट में भिंडी की सब्जी यानी मसाला भिंडी सब्जी तो अभी तक खाई नहीं है। बाकी सारे बहुत खाई है लेकिन ये कभी मैंने ऑर्डर नहीं किया है। लेकिन मैं आपको चैलेंज कर सकती हूँ, ये जो रेसिपी है जो आज मैंने बना के दिखाया है, इससे बढ़िया सब्जी तो आपको ढाबे और रेस्टोरेंट में भी नहीं मिलेंगे। ट्रस्ट मी, आप बना के तो देखिए जरा। चलिए मैं ट्राई करती हूँ। ओके, ये देखिए लाजवाब फ्राइड भिंडी। ओके, ऐसा कॉम्बिनेशन, फ्राइड और ग्रेवी का कॉम्बिनेशन ऐसा मिल जाए। ये देखिए ग्रेवी, देखिए आप एक बार देखिए कितनी अच्छी बनी है, और हॉट स्पाइसी और लिटिल बिट ऑयली। ये देखिए इसी तरह से लाजवाब टेस्टी खाने बनाते रहें, आपके घर वाले और आपके मेहमान आपके दीवाने हो जाएंगे। ट्रस्ट मी।